हे गाइस, मेरा नाम चंद्र किशोर बख्शी और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसे बेहतरीन लॉन्चर्स जो 5 लॉन्चर्स में बताऊंगा और ये बहुत अच्छे लॉन्चर्स, इसको मैं हमेशा इनको यूज़ करता हूँ और कुछ ऐसे लॉन्चर्स है जो कि बहुत लाइट वेट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा लॉन्चर। पहले मैं बताना चाहूँगा आपको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर्स का, बहुत लोगों ने इसके नाम सुने होंगे ऑलरेडी। तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर्स में इसको कभी कभार यूज़ करता हूँ, मैंने रिसेंटली इसको इंस्टॉल किया है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने खुद चेंजेस काफ़ी किए और इसमें काफ़ी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को और इसमें न्यूज़ फीड और सब कुछ आता है बन के। और दूसरी चीज़ है, अगर आपको उसमें चेंजेस कुछ करनी है तो यहाँ पे जाके आप इसको करंट होम स्क्रीन में या फिर कुछ इसमें जाके फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें रिसेंटली फ्रिक्वेंटली यूज्ड ये ऐप्स है यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। ये हो गए हमारा, इसमें चेंजेस आ गए। तो यहाँ पे आप इसको जाके इसमें अब आप देख सकते हैं किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है। अब आपको अगर होम स्क्रीन में चेंज करना है तो लॉन्चर सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद बहुत से ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पर्सनलाइजेशन में, वॉलपेपर में। और ये देखिए, इसमें आप वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम्स अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं डार्क में जाके, और ऐप फोल्डर में जाके आप किस तरह की आपको थी चाहिए है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट की विदाउट ट्रांसपेरेंट। कस्टमाइज आइकन्स आप कर सकते हैं, आइकन्स आपको चेंज करना हो तो यहाँ पे जाके मैं आइकन्स इसको मैं चेंज कर देता हूँ। बहुत सारे मेरे पास आइकन्स है और इसको मैं डन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि काफ़ी आइकन्स यहाँ पे आ जाएंगे, छोटे से मैंने ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे आइकन्स में। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर्स जो है मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, आप अपने तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूँगा रूथलेस लॉन्चर्स का। रूथलेस लॉन्चर्स को मैं रूथलेस लॉन्चर को सेकंड में रखूँगा, और ये क्योंकि ये बहुत अच्छा है। रूथलेस लॉन्चर भी बहुत लाइट वेट है, इसमें बहुत कुछ आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। आप होम सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे आप इसको सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। डॉक में जाके आप अपने तरीके से इसको जो डॉक है वो उसको चेंज कर सकते हैं। डॉक बैकग्राउंड को मैं आधा कर देता हूँ। कलर लोगो मेरे को रखना है, डॉक बार जो है उसका कलर अगर मेरे को कोई चेंजेस करने हैं तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से इसको उठा के। यहाँ पे मैं इसको उठा के इसको रख सकता हूँ, और जब मैं यहाँ पे वापस देखूँगा तो ये देखिए आप इसको, ये यहाँ पे पूरे चेंजेस हो चुके हैं। तो और मैं दूसरे की आपको डेस्कटॉप में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, डिफ़ॉल्ट आपको रखना है इसको ग्रिड को, तो मैं जैसे 6 रख देता हूँ। डिफ़ॉल्ट रोड्स जो है इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ। बाकी जो है इसमें आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। थीम्स एंड आइकन्स में जाके आप आइकन पैक इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं पिलो आइकन, एक पिलो आइकन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक पिलो आइकन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये सब पिलो चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप इसको जाए जो पीछे का भी है ना, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अलग में। तो ये मैं इसको भी आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये चेंज हो सकते हैं। ये तो काफ़ी कुछ है, सेटिंग्स है इसमें जो आप कर सकते हैं। देखिए फीचर फ्लैग्स भी दिए हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया है मैं बोलूँगा। इसमें भी अच्छे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें आपको गूगल फीड की जो है इसकी न्यूज़ मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको इस तरह का रखना है तो आप ये रूथलेस लॉन्चर के साथ जा सकते हैं। इसमें जैसे कि ऊपर जो है वो बन के आ जाएगा यहाँ पे, जो हम इम्पोर्टेंट जो यूज़ करते हैं ऐप्स, उनके यहाँ पर लिस्ट ऊपर से अलग बन के जाएगी, और नीचे की जो रहेगी वो अलग लिस्ट रहेगी। तो ये मैं बोलूँगा कि रूथलेस लॉन्चर के साथ आप जा सकते हैं, ये भी बहुत लाइट वेट है। अब मैं तीसरे की बात करूंगा, वो है लॉन्चेयर। तो लॉन्चेयर भी मैं काफ़ी मेरे को पसंद आते हैं लॉन्चेयर को यूज़ करना। लॉन्चेयर मैं हमेशा यूज़ करता हूं, मैं बोलूंगा कि हमेशा यूज़ करता हूं मैं जाके जैसे मैं इसमें बताता हूं किस तरह का है ये। सेटिंग्स में जाके आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी कुछ ऑप्शन है। इसका मैं आइकन चेंज कर देता हूँ और इसको मैं ये वाला आइकन रखता हूँ। पीछे जाता हूँ और ये देखिए आइकन्स चेंज हो गए, कलरफुल आइकन्स आ गए। अब वॉलपेपर मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ तो उसके कारण ये हो रहा है कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि भैया आप वॉलपेपर जाके भी चेंज कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि वॉलपेपर्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, तो मैं बोलूँगा कि वॉलपेपर बहुत सरल है। आप फ़ोटोज़ में जाइए और एल्बम में जाइए, उसके बाद फिर अपने वॉलपेपर जो दिए हुए हैं या फिर वॉलीफाई कोई भी वॉलपेपर उठा लीजिए, मैं इसको उठा लेता हूँ, और यूज़ एस में जाके, और उसके बाद वॉलपेपर में जाके
सेट वॉलपेपर, होम एंड लॉक ऑन स्क्रीन में करके ऑफिस पीछे आगे देखिए सेटिंग्स बिल्कुल चेंज हो गई। तो इसमें भी लॉन्च एयर में भी काफ़ी आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी, थीम में जाके आप उसको थीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लर एक्शन भी आप उसको दे सकते हैं, कितना ब्लर अमाउंट रखना है वो आ जाएगा। डेस्कटॉप में जाके आप इसको जो है देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस है। अगर आप मेरे को जो बड़ा जो सर्च बार है वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ छोटा सा सर्च बार चाहिए, तो यहाँ पे जाके मैं इसको छोड़ देता हूँ और आप देखिएगा, ये देखिए वो भी इसमें भी बता देगा कि इसमें क्या है, इसमें अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, ये देखिए ऊपर यहाँ पर बन के आ गया है ये। और इस तरह से आप बहुत से मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है लॉन्चर, इसलिए मेरे पसंद आता है कि इसमें काफ़ी कुछ आप चेंजेस इसमें कर सकते हैं। तो आप खुद आप जब प्ले करेंगे ना उसके साथ देखेंगे तो ये आपको खुद समझ में आएगा। लॉक डेस्कटॉप में ये होगा कि आप अपने आइकन्स आप मूव नहीं कर सकते, ये देखिए मैं इसको दबा के भी रखा हूँ ना तो ये खुल जाता है, पर मेरे कुछ चेंजेस नहीं होंगे बस ये। तो इसलिए लॉक जो है आइकन, अगर आपको उसको मूव नहीं करना है या आपके आपके घर में बच्चे हैं तो आप वो बार बार अगर अनइंस्टॉल कर दें तो आप लॉक डेस्कटॉप कर दीजिए ख़त्म, फिर वो लोग छू ही नहीं पाएंगे उसको। तो लॉन्च एयर के लिए मैं बोलूँगा कि ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आप बहुत कुछ कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हैं, तो आप फिर इसको देखिएगा। चौथे की मैं बात करूँ तो पियर लॉन्चर में अभी मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया और मैंने देखा क्या तरह का पियर लॉन्चर है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। पियर लॉन्चर में आप देख सकते हैं बिल्कुल साधारण सा है, इसमें कुछ भी नहीं मैंने दिया हुआ, लेकिन इसकी सेटिंग्स जो है वो काफ़ी है। अगर आप डेस्कटॉप में जाएंगे यहाँ पे आप ग्रिड साइज़ अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, 5 में 6 रख देता हूँ आप दिखाने के लिए सिर्फ। आइकन साइज़ जो है वो मैं थोड़ा सा उसको बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। शो आइकन 2 लाइंस, आइकन टेक्स्ट साइज, शो आइकन लेवल, नो मेरे को नहीं चाहिए आइकन लेवल, और स्क्रॉल इफेक्ट्स अगर आपको रखना, जूम आउट मैं कर देता हूँ, और स्क्रॉल वॉलपेपर, और भी बहुत कुछ आप इसको चेंज कर सकते हैं। और डॉक में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक में जो है बैकग्राउंड, मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी मैंने दे के रखा हुआ है, आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का, और जैसे मैं लाल कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ, बिलो डॉक ही मेरे को रखना है सर्च बार को। उसके बाद मैं फिर थीमर में जाके आइकन्स में चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसकी जगह में इसको रख देता हूँ, ये O3 आइकन पैक को रख देता हूँ, थीम इसकी चेंज हो जाएगी इस UI की, इसको थीम को मैं नॉर्मली रख देता हूँ, कैंसिल ही रख देता हूँ अभी तो फ़िलहाल। और भी बहुत कुछ आप इसमें चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बार कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, पीछे जाता हूँ, ये देखिए इसका ये डॉक चेंज हो गया, यहाँ पे ऊपर भी इसका चेंज हो गया, ये पूरा आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो गैप दिख रहे हैं ना ये ग्रेड साइज़ है, अगर आप इसको और कम रखेंगे मतलब 5 रखेंगे तो और कम हो जाएंगे और ये अच्छा बेहतरीन लगेगा। तो ये भी बहुत काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है ये भी, अगर मैं मानूँ तो इसको आप ऊपर सर्च बार ला सकते हैं इसको, इसमें जाके विजेट में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे मैं अपना बताता हूँ, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ वो है 7 टाइम, इसको ले आके बस यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। ये पेड है, ये फ्री भी मिल जाएगा आपको और पेड भी मिल जाएगा, फ्री में कुछ कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन जो प्रो में है उसको उसमें ज़्यादा आपको क्लॉक्स मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। तो ये है मेरा जो पियर लॉन्चर का। अब मैं आखिरी बताऊँगा जो सबसे हल्का है, जो सबसे सिंपल है, वो है पिक्सल लॉन्चर। पिक्सल लॉन्चर का मैं बता देता हूँ पिक्सल लॉन्चर कैसा है, ये देखिए सबसे हल्का, मैं बोलूँगा कि सबसे लाइट है। अगर आपको इस तरह से रखना हो सबसे बिल्कुल, आप आइकन्स भी नहीं चेंज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपको जो है ये डॉक और नीचे सर्च बार आ जाएगा और कुछ भी ज़्यादा और कुछ नहीं हो जाएगा। नोटिफिकेशन डॉट आप दे सकते हैं उसमें, बाकी जो है डिसेबल गूगल ऐप टू द लेफ्ट, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत लाइट वेट है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, स्क्वायर में रखता हूँ तो इस तरह से बस इतना ही है, मतलब ये जो है सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं, आपको चेंजेस मिलेंगे सिर्फ यहाँ ऊपर ही बन के आएगा, जो रिसेंट जो ऐप्स अपन यूज़ करते हैं वो आ जाएंगे अब बन के। तो यही है मेरा बताने का कि ये भाई कि ये लॉन्चर्स जो मैं अक्सर मैं यूज़ करता हूँ बहुत अच्छे लॉन्चर्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंने टॉप 5 बताए हैं वो। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि थीम कैसे चेंज किया जा सकती है, तो देखिए थीम्स आप मत इंस्टॉल कीजिएगा, थीम्स में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, मैंने भी थीम्स इंस्टॉल किया था जो मिलती हैं ऐसे इसकी, उसको मत यूज़ कीजिए आप, सीधे सीधे भाई इसको लॉन्चर्स को यूज़ कीजिए, एक से बढ़कर एक लॉन्चर हमारे पास है यहाँ पे। तो मैं बोल
तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आप लॉन्चर इसको यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे को बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो मैं हूँ चंद्रकिशोर बख्शी, एक्सप्लोर गिज़्मो की तरफ से मैं आपको बाय बोलता हूँ। बाय बाय।